अच्छा ये बता कि ट्रेडिंग करते समय हमें क्या सोचना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो हमें ट्रेडिंग में नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आज किस शेयर में ट्रेडिंग करनी है, शेयरों का सबसे पहले चुनाव करना चाहिए। और उसके बाद हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें अगर मुनाफा करना है तो कितना करना है, क्या हमें 500 रुपये करना है, 1000 रुपये करना है, हमें ये सोचना चाहिए। जब 500 रुपये 1000 रुपये का मुनाफा हो जाए तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि हमें लॉस कितना करना है, बाय चांस अगर हमें आज लॉस होता है तो हमें मैक्सिमम कितना लॉस करना है। अगर 500 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये अगर इतना हमें घाटा हो जाता है और हमने इतना सोच रखा है तो उसके बाद भी हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको रिकवर हमें अगले दिन करना होता है, ना कि उस दिन। क्योंकि शेयर बाज़ार ऐसा तो नहीं कि आज बंद है तो हमेशा के लिए बंद, रोज़ाना खुलेगा, हमेशा खुलता रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक खुलता रहेगा। और मार्केट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट ऊपर की दिशा में है, नीचे की दिशा में है, या एक ही तरफ मार्केट चल रही है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम अगर ध्यान रखते हैं ट्रेडिंग में तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।